अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाए या सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ और आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर एक, आप बाइट मार्क के ऊपर एक टाइट कपड़ा या रस्सी बांध देंगे। ऑप्शन नंबर टू, आप बाइट वाले स्थान को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट कर देंगे, जैसे नाइफ या ब्लेड। ऑप्शन नंबर थ्री, आप बाइट वाली जगह से वेनम को सक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फोर, आप बाइट वाली जगह को इमोबाइल करके कोई स्प्लिंट लगा देंगे। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप ये वीडियो देखें और उसके बाद ये पता करें कि क्या आप सच में सही कर रहे थे या आपकी वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो सकता था। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्नेक बाइट क्या होती है, वेनम क्या चीज है, स्नेक बाइट की वजह से मरीज की डेथ क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज है, ये एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, और अगर आपके सामने कोई स्नेक बाइट हुई है तो आपको क्या करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो आप प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम स्नेक बाइट के बारे में बात करेंगे। स्नेक बाइट आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप स्नेक के साथ छेड़खानी ना करो और उसको प्रोवोक ना करो, इसलिए स्नेक बाइट उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो स्नेक के हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में है, जैसे फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स। अगर आप हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो भी स्नेक बाइट का रिस्क होता है। ऐसे तो स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज है, इंडिया में मोर देन 300 स्पीसीज आइडेंटिफाई है, लेकिन चार मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिनकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। ये है कोबरा, रसल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर और क्रैक। वैसे तो स्नेक छेड़छाड़ करने पर ही काटता है, लेकिन क्रैत एक ऐसा स्नेक है जो आज सोते हुए इंसान को काट जाता है। जो लोग जमीन पे सोते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनमें क्रैत के काटने की बड़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है, और ये काट के चला जाएगा और ये अपने लोकल साइट पे कोई मार्क, ब्लीडिंग, पेन भी नहीं छोड़ता है। स्नेक बाइट में क्या होता है, क्यों मरीज की स्नेक बाइट की वजह से डेथ हो जाती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं वेनम, जहर क्या चीज है स्नेक का। ये जो स्नेक वेनम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स हमारे शरीर में सेल्स की डेथ कराते हैं। तो ये लोकल साइट जहां उसने काटा वहां पे सेल्स की डेथ कराएंगे, इसके बाद ये ब्लड के थ्रू जाएंगे और अलग अलग ऑर्गन्स में सेलुलर डेथ करके उसको अफेक्ट करेंगे। तो स्नेक बाइट के जो साइन सिम्टम्स हैं वो एक लोकल होते हैं कि मरीज को उस जगह पे क्या हुआ जहां स्नेक बाइट हुई, और दूसरे उस वजह से होते हैं कि जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला गया तो हमारे शरीर में क्या हुआ। लोकल साइंस में क्या होगा कि आपको फ्लैंक मार्क दिखेगा उस काटी हुई जगह में, वहां पे सूजन होगी, वहां से ब्लीडिंग हो रही होगी, वहां पेन हो रहा होगा। कई स्नेक्स जैसे क्रैक मैंने स्टार्टिंग में बताया, इससे कई बार कोई भी लोकल साइंस नहीं आ रहे होते, और कोबरा के काटने से लोकल साइन इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि मरीज का पूरा पैर, हाथ, जो भी लिम्ब होगा वो सूज के टेंस हो जाता है और वहां पे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। वो इतना टेंस हो चुका होता है, धीरे धीरे वो एरिया सड़ने या खराब होने लगता है। तो कई बार कोबरा के काटने की वजह से मरीज का वो लिम्ब ऑपरेट तक करना पड़ जाता है। अब शरीर में क्या होगा जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला जाएगा? तो ऐसे तो मरीज आपको कंप्लेन करेगा कि उसे चक्कर से आ रहे हैं, उसके आंखों के सामने धुंधला हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही है, बुखार हो रहा है। लेकिन ये तो जनरल सिम्टम्स है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो अलग अलग स्नेक के काटने से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो स्नेक जनरली दो तरीके के होते हैं, एक वो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनका जहर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और दूसरे जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं जिनका जहर हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं उसमें क्रैक और कोबरा आते हैं। तो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या चीज है, कैसे ये ब्रेन को अफेक्ट करते हैं? ये क्या होता है कि जैसे ही वो वेनम आपके ब्लड में जाएगा वो हमारे शरीर की हर एक मसल को पैरालाइज करना शुरू कर देगा। तो मरीज को धुंधला दिखने लगेगा, धीरे धीरे डिप्लोपिया, मतलब आंखों से हर ऑब्जेक्ट दो तीन दिखेगा क्योंकि आंखों की मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर मरीज को खाना खाने में परेशानी होने लगेगी, बोलने में परेशानी होने लगेगी, धीरे धीरे उसके हाथ पैर में झुनझुनी और कमजोरी आने लगेगी, और ये धीरे धीरे हमारी सांस लेने की मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा, मरीज सांस नहीं ले पाएगा और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये हुआ हमारा न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। और जो कार्डियोटॉक्सिक स्नेक होता है, जो हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है, वाइपर,
उसमें क्या होता है, उसमें मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी किडनी फेल होने लगती है, उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है शरीर में, उसके शरीर में धब्बे जिसे पोटेंशियल रेसेस कहते हैं वो बनने लगते हैं, मरीज अल्टीमेटली शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है? स्नेक बाइट ट्रीटमेंट में हम ASV एंटी स्नेक वेनम देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जितना जल्दी ASV दोगे मरीज के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे सरवाइव करने के। तो ये ASV एंटी स्नेक वेनम क्या चीज़ है? नाम ही बता रहा है एंटी यानी अगेंस्ट, स्नेक वेनम यानी सांप के जहर के। तो ये इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सांप के मिल्किंग करके वेनम बाहर निकालते हैं। आपने वेनम निकाल लिया, ये इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में बहुत सारे हैं जो ये प्रोसेस करते हैं ASV बनाने की। वो वेनम बाहर निकालने के बाद में उसे डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है, उसके बाद वो दूसरे जानवरों में, हॉर्स में, शीप में, गोट में इंजेक्ट करते हैं। अब जब दूसरे जानवर के शरीर में वेनम आएगा तो उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी और वो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हम उस जानवर का ब्लड या फिर जिसको हम सीरम कहते हैं वो लेते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज निकालते हैं और वो ह्यूमन को या इंसान को स्नेक बाइट होने पर ट्रांसफर करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जो भी वेनम शरीर में आया है उसको बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो जितना जल्दी आप मरीज को एंटी स्नेक वेनम दोगे उतना जल्दी वो वेनम सांप का न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उतना कम असर मरीज को आएगा। ये जो एंटी स्नेक वेनम बनता है ये इन्हीं चार स्पीसीज के स्नेक्स के वेनम के थ्रू बनता है, क्रेथ, रसल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर एंड कोबरा, क्योंकि इन्हीं चारों की वजह से हाईएस्ट मोर्टैलिटी है। तो इंडिया में जो भी ASV अवेलेबल है जिसे हम पॉलीवेलेंट ASV कहते हैं वो इन्हीं चार जाति के सांपों के जहर से बना हुआ है। ये तो रही है एंटी स्नेक वेनम की बात, लेकिन अगर मरीज को ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट आ गया है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है? अगर मरीज को जो भी सिम्टम्स आ रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को पैरालिसिस होने लगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा जाता है। अगर मरीज के शरीर में ब्लीडिंग होने लगी तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर BP कम हो रहा है तो BP बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर मरीज शॉक में जा रहा है तो उसके ऑर्गन सपोर्ट दिए जाते हैं और ये सारा सिस्टम तब तक कंटिन्यू रखते हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम, जब तक कि मरीज के शरीर में टॉक्सिन का इफेक्ट चला ना जाए। ये जो न्यूरोटॉक्सिक मींस ब्रेन को अफेक्ट करने वाले पॉइजन होते हैं इसमें जनरली मरीज सर्वाइव करता है क्योंकि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रख दिया, जैसे ही मरीज का वेनम का इफेक्ट उसके शरीर से गया उसे हम बाहर निकाल लेते हैं वो ठीक हो जाता है। ज़्यादातर डेथ जो मरीज की होती है वो वास्कुलोटॉक्सिन या कार्डिक टॉक्सिक वेनम की वजह से होती हैं क्योंकि इसमें एक बार ब्लीडिंग हो गई, किडनी फेल हो गई तो जनरली उसे मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट होता है। सबसे पहले आप उसे रीअश्योर करें कि 70% ऑफ स्नेक बाइट बिना जहर वाले सांपों की वजह से होती है और जो 30% पॉइजनस स्नेक है जिनकी वजह से स्नेक बाइट हो रही है उसमें से भी सिर्फ 50% स्नेक्स ही अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी ओवरऑल स्नेक बाइट होती है उसमें से सिर्फ 15% है जिसमें मरीज को टॉक्सिसिटी या सांप का जहर उसके शरीर में एंटर करेगा। उसके बाद आपको मरीज को तुरंत इमोबाइल कर देना है, आप तुरंत उसे लिटा दें और जिस भी लिम्ब में सांप ने काटा है उस लिम्ब को इमोबाइल कर दें विद द हेल्प ऑफ अ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होती है, कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेकर के उस लिम्ब को रस्सी से बांध दें ताकि वो लिम्ब बिल्कुल मूव ना करे, जैसा कि हम फ्रैक्चर होने पर अपनी हड्डी के साथ करते हैं प्लास्टर लगा के उसको बिल्कुल इमोबाइल कर देते हैं, ऐसा ही आपको करना है। मरीज को बिल्कुल सीधा लेटा देना है और वो एरिया जहाँ पे बाइट हुआ है उसे आप सोप और वाटर के साथ में वॉश करें और तुरंत हॉस्पिटल लाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी ASV दिलाओगे मरीज को उतना ज़्यादा उसके सर्वाइवल के चांसेस हाई होंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। फर्स्ट कि मरीज को किसी भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, झाड़ फूक, ओझा यहाँ कहीं नहीं लेकर के जाना है, इससे कोई हेल्प नहीं होती है। सेकंड, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है,
तुरंत हॉस्पिटल के लिए रश करना है, मरीज को चलने नहीं देना है, मरीज को मोबाइल नहीं करना है, उसे भागने नहीं देना है, उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोबाइल करिए। जहां पर स्नेक बाइट हुई है उस एरिया को काटना या फिर वो वेनम सक करना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाइट वाले एरिया के ऊपर कोई भी टाइट कपड़ा रस्सी ऐसा कुछ नहीं बांधना है, ऐसा करने से मरीज को हार्म होता है, यहाँ तक कि वहां ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है और वो एरिया और डिस्ट्रॉय होने लगता है। मरीज को अल्कोहल या शराब बिल्कुल नहीं देनी है, अगर आप उसे अल्कोहल दे दोगे तो जो वेनम है वो और स्पीड से ब्लड में रिलीज होने लगेगा और मरीज और गंभीर हो जाएगा। सांप की क्या जाति है, कौन सी स्पीसीज है, ये आइडेंटिफाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ASV एंटी स्नेक वेनम होता है वो ऑलरेडी 4 प्रजाति के स्नेक्स जो हमने पहले ही बताए जिनसे सबसे ज्यादा डेथ का रिस्क होता है वो उनसे बनती है, तो वो ऑलरेडी कई स्पीसीज कवर कर रहा है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्पीसीज के सांप ने काटा है, क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में आपको जो भी ASV मिलेगा वो इन्हीं 4 स्पीसीज का मिलेगा। आप बच कैसे सकते हैं स्नेक बाइट से? 2-4 बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनको फॉलो करने से हम बहुत सारा स्नेक बाइट अवॉइड करते हैं। जो लोग डायरेक्टली जमीन पे नीचे सोते हैं वो एक सिंपल मच्छरदानी का यूज करें। आपने किन्हीं को सोते देखा है आपके आसपास, तो उन्हें बताएं कि कुछ सिंपल मॉस्किटो नेट लगाएं जिससे स्नेक उनके बेड तक नहीं पहुंचेगा। बिस्तर में सोना प्रेफर करें। अगर आप बाहर आउटिंग या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि आप लॉन्ग बूट्स पहने ताकि बाइट ना हो, या फिर सिंपल एक लकड़ी या स्टिक लेकर के आप जहां चल रहे हैं उसके आगे आप टैप करते हुए चले ताकि अगर वहां कोई स्नेक है तो वो ऑलरेडी वहां से हट जाए। पत्थरों के नीचे या ऐसी कोई जगह जहां पे स्नेक का छुपा होने की हाई प्रोबेबिलिटी, उन सारी जगहों से छेड़छाड़ ना करें और सांपों के साथ बिल्कुल ना खेलें। होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। आपको मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली, क्या आपका पहले का आंसर ऑलरेडी सही था या गलत था और आपकी कुछ नॉलेज इंप्रूव हुआ। आई होप कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और 20 मिनट वॉक कंटिन्यू रखें।